जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हैं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायण गुरु, संत गाड़गे जी महाराज, प्यारे रामास्वामी नायकर, प्यारे लल्ले यादव, बिरसा मुंडा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बाबू जगजीवन राम, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा, शहीद वीर अब्दुल हमीद, माँ रमाबाई, माँ फातिमा शेख, माँ झलकारी बाई, माँ अवंतिका बाई लोधी, महाराजा बिजली पास, उदा देव पास, परम पूजनीय विश्व रतन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और मेरे गुरु, मेरे आदर्श माननीय साहब श्री काशीराम, आप सभी को नमन करते हुए आज का जो इशू है, जिसके लिए मैं आपके बीच हूं, वो है नेमावर का जो जघन्य अपराध हुआ है, मैं उसकी सच्चाई जो कल वहां जाने के बाद मुझे पता लगी वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बड़े मजाक का इशू, मुझे ये मजाक ही लग रही है। एक परिवार के 5 लोगों की हत्याएं होती हैं और लोगों को कोई खबर ही नहीं, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लोगों को कोई गुस्सा ही नहीं है, ना ही ये मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियां बनी है, ना ही इस पर टीवी पे कोई डिबेट हो रही है, ना ही महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, ना ही मानव अधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, ना ही किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुमोटो लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है, ना ही इस पे देश में कैंडल मार्च हो रहा है, ना ही इस पे कोई और आंदोलन हो रहा है, ना ही इस पे मेडल लौटाए जा रहे हैं, और ना ही इस पे किसी पॉलिटिशियन का, किसी दल का कोई विरोध, ना ही इस पे किसी एथलेटिक्स का, किसी खिलाड़ी का, किसी एक्टर का, किसी का कोई बयान नहीं, बिल्कुल। इसलिए मैं इसे मजाक समझ रहा हूं, क्योंकि जब मैं कल परिवार से मिला तो उन्होंने बताया, और मैं ये बात इसलिए रख रहा हूं कि आप बहुजन समाज के लोग विश्वास करते हैं भीमार्मी पे, आजाद समाज पार्टी पे, हम अपने कार्यकर्ताओं पे आप विश्वास करते हैं, और उस विश्वास को हम लोग टूटने नहीं देना चाहते। लेकिन मैं सोच रहा हूं कल से कि इतना बड़ा मामला हुआ, चुप क्यों है लोग, एक गाय के नाम पे बवाल हो जाते हैं। लेकिन इंसानों की हत्या हुई है, 5 लोगों की जान गई है, जिनमें 3 बच्चियां हैं और एक बच्चा है और एक माँ है। क्या दोष है उनका? क्या वो आदिवासी, ये उनका दोष है? क्या वो वंचित वर्ग, बहुजन समाज से आते, ये उनका दोष है?
या फिर उनका दोष है कि वो पैदा ही क्यों हुए थे, क्योंकि एक ना एक दिन तो ऐसे वैसे दरिंदों का शिकार उनको होना ही था। तो इस देश में बेटियां क्यों पैदा हुई, और बेटियां पैदा होना ही गुनाह है क्योंकि कल उनके शरीर को नोचने वाला कोई इंतजार कर रहा है। देखिए मैं सीधे नेमावर पे बात करूंगा और जरूरी भी है उस पर बात होनी, क्योंकि अगर बात नहीं होगी तो दुनिया में रहने वाले जो लोग मुझे सुनते हैं उनको कैसे पता लगेगा कि भारत में क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल नया, हमें ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि अगर हम अन्याय अत्याचार पे चुप रहे तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बकरी किसकी दी जाती है, नहीं बलि किसकी दी जाती है, बकरे की, शेर की कोई बलि दी जाती है। तो अगर हम बकरे बन के ये देखते रहे चुप रहे तो कल हमारी बलियां दी जाएंगी, कल किसी और परिवार के साथ होगा, किसी और बहन को के साथ ये होगा। तो हमारा मीडिया तो यही है जिसपे हम बैठे हैं, और हमारे मालिक तो आप लोग हैं जिनको हम सुना रहे हैं, जिनको पता होना चाहिए कि निम्बार में क्या हुआ है। एक परिवार जो किराए पर रहता है, जिसमें जिसमें जिसका दोष यह है कि वो भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है, कुछ लोगों को ये रास नहीं आता है। वो परिवार के सभी लोगों को ले जाते हैं एक प्री प्लान से, एक गड्ढा खोदा जाता है जो 12 फीट गहरा है, और उसमें उन सबको मारकर जो उनकी हत्या करके दबा दिया जाता है। जब मैं कल बच्चियों के पास गया जो गुड़िया वहां पर है, जो भैया वहां पर है, तो उन्होंने बताया कि जो आरोपी है वो लगातार पुलिस के साथ घूम रहा था। फैसला आपको करना है कि क्या सच है और क्या झूठ है। वो पुलिस के साथ घूम रहा था, पुलिस के पास जब पीड़ित परिवार जाता था तो वो कहता था कि ये है तो ये घूम तो रहे साथ। उस बिटिया को कहता था कि आप वापस चले जाओ इंदौर काम पे, और भैया को कहता था कि तुम आप गोवा चले जाओ काम पे, और यहाँ वो जो परिवार के लोग कहीं गए हैं तो उनको ये ढूंढ देंगे अपने आप। ये जो जो बाद में जिसने ये सब घटनाक्रम को अंजाम दिया, वहां का पुलिस प्रशासन कहता कि ये ढूंढ देंगे इसको, आप चले जाओ अपने काम पे, वो कहीं घूमने गए होंगे। एक परिवार 47-48 दिन गायब रहता है, किसी को कोई खबर नहीं होती, कोई चर्चा नहीं करता, कोई धरना नहीं होता, कोई आंदोलन नहीं होता। परिवार ने मुझे बताया कि उस गड्ढे में सबसे नीचे वो छोटा बच्चा जो 8 या 12 साल के लगभग था, उसको डाला गया मारकर, जो अपने कपड़ों में था, और उसके बाद उस माँ को उसकी भी उसको दूसरे नंबर पर डाला गया, और बाद में उन 3 बच्चों को जिनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। परिवार ने आशंका जताई है कि उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, और फिर उनकी उनकी जो है ना हत्या की गई। ये भी नहीं पता कि वो कितने दिन तक उनको उन्होंने ये अपराध, ये जुल्म जाति झेली, किसी को नहीं पता। और क्या आप समझते हैं, आप पढ़े लिखे लोग या सुनने वाले लोग, कि 7 दिन के बाद 3 दिन के बाद जो है ये रेप की पुष्टि नहीं होती है, जख्म भर जाते हैं 1 हफ्ते में, और 48 दिन बाद जो है डेड बॉडी मिली, तो क्या न्याय होगा? 5 लोग गायब होते, लोकल प्रशासन को कोई फिक्र नहीं होती, ना सरकार को चिंता होती है। पीड़ित बच्ची जो है उसका कहना यह कि हमें जो है बार बार थाने में बिठा लिया जाता था, रात को 11-11 बजे में वहां से भेजा जाता था, हम पे शक किया जा रहा था। शक इसलिए किया जा रहा था कि मामले को दबाने की तैयारी चल रही थी। वो तो धन्यवाद देता हूं वहां की लोकल मीडिया का और उन यूट्यूब चैनल का और उन साथियों का जो जिन्होंने इस आवाज को हम तक पहुंचा दिया और जिन्होंने इस आवाज को वहां से उठाया। ये जो शक मैं आपके सामने जाहिर कर रहा हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों की गर्दन फंसी हुई है, बड़े बड़े सफेद पोश, बड़े बड़े अधिकारी,
उन आरोपियों को बचाने के लिए। तो जब मैं गया और मैंने उस परिवार को सुना, मैं तब से तकलीफ में हूं। और वहां के फिर मैंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की रात को 2 घंटे की, भाई इस न्याय की लड़ाई को मजबूत करना है ताकि दोबारा किसी, देखिए जो घटना हो चुकी है वो आपसे नहीं हो सकती, लेकिन मैं भी समझता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, तो हमें मजबूती से लड़ाई को लड़ना है। और मैं आपके सामने इस पर चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई मीडिया चैनल इस पर डिबेट नहीं कर रहा है, कोई उनका स्टेटमेंट नहीं ले रहा है, तो मुझे उनकी आवाज बन के आपके सामने बात रखना पड़ रही है। कि मैंने कल भी कहा कि वो तेजाब, वो यूरिया, वो नमक डाल के जब उन परिवार को जला गया है, उस परिवार को, उन हमारी बहनों को, वो उनके ऊपर नहीं, वो यूरिया और तेजाब हमारे हमारी शरीर पे, क्योंकि वो हमारा परिवार था, वो हमारे ऊपर डाला गया है। हमें तकलीफ होनी चाहिए, हर उस व्यक्ति को तकलीफ होनी चाहिए जिसके घर में बहन है, बेटी है, माँ है, भाभी है, चाची, सबको तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन देश में तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग, इनके साथ तो रोज होता है, ये तो पैदा इसलिए हो कि इनके साथ ये हो, तो इनके मरने पे क्यों रोना है? ये तो कीड़े मकोड़े, इनका कोई जीवन थोड़ा ही है, इनको तो भारतीय संविधान से थोड़े से अधिकार मिल गए, वरना ये कौन लोग हैं? इनको तो जीने का अधिकार नहीं है, अच्छा खाने पहनने का, सोने का अधिकार नहीं है, मकान बनाने का अधिकार नहीं, इनको, इनकी, इनके मरने पे भी, इनके साथ हत्या रेप होंगे, इनके पे भी क्यों हल्ला हो? इस पे तो सन्नाटा रहना चाहिए। ये तो कुछ लोगों का जन्म से अधिकार है कि ये इनके साथ ये किया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अन्याय करने से, अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है। हम लोग हर घटना पे चुप हो जाते हैं, वो चुप्पी इंतजार है दूसरी घटना को होने का, और हम लोग ये सोचते हैं इस घटना से हमारा क्या है, ये हमारे परिवार के साथ थोड़ा हुआ है। आप लोग समाज में रहते, एक सभ्य समाज में, बहन बेटी किसी की हो, ये जुल्म जाति किसी के साथ हो, तकलीफ होनी चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि सभी जिला मुख्यालयों पे हमारी यूनिट और वहां जो और साथी संगठन है उनके साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। कब तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया और ये गूंगी भरी सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी? मैं तो कल ये भी चैलेंज करके आया हूं कि अगर 1 हफ्ते में मुख्यमंत्री परिवार से मिलने नहीं आते और वो सीबीआई जांच की घोषणा नहीं करते, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इतने लंबे समय तक इस मामले को दबा के रखा गया, छिपा के रखा गया, और उसके बाद पीड़ित परिवार डर के साय में, परिवार प्लान करने की बात कर रहा है, ऐसे समय में अगर हमने इस लड़ाई को नहीं लड़ा तो लोगों का न्याय से भरोसा उठ जाएगा, लोगों का काम करने वाले लोगों से भरोसा उठ जाएगा, लोगों का आंदोलनकारियों से, संघर्षशील लोगों से विश्वास उठ जाएगा। तो वहां की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की यूनिट ने तय किया है कि आने वाले समय में वो जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे, 1 दिवसीय धरना, फिर विधानसभा घिराव होगा, फिर मुख्यमंत्री का घिराव होगा, उसके घर का घिराव होगा, और क्योंकि साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही है, बहुजन साइकिल यात्रा, तो मैंने भी ये तय किया कि अगर वहां की यूनिट कहेगी मुख्यमंत्री तब भी नहीं सुनेंगे तो नेमावर से ही भोपाल तक अपने साथियों के साथ पैदल मार्च किया जाएगा, किसी भी कीमत पर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए लोकतंत्र और न्याय प्रणाली इसलिए है, संविधान इसलिए है कि जिस व्यक्ति जो पीड़ित है वो संतुष्ट होना चाहिए न्याय के मामले में। तो जब पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं इसके इजाजत दे रहे हैं? क्या किसी को बचाया जा रहा है? क्या किसी को छिपाया जा रहा है? क्या किसी सफेद पोश की गर्दन फंस जाएगी? और सीबीआई जांच भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्देशन में, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट जिसने अब तक न्याय नहीं दिया वो इस न्याय को बाधित ना कर सके। हमारी तो राजनीति यही है, साइकिल यात्रा छोड़ के मैं इसलिए गया, और अगर मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तो बिल्कुल चला जाऊंगा वापस दोबारा, क्योंकि हम तो हैं इसलिए, हम जन्म इसलिए हैं कि अपने लोगों को न्याय दिला सकें। और एक नारा भी था वहां कि एक तीर एक कमान, एससी एसटी एक समान, सारा बहुजन एक समान,
और बहन बेटियों के मामले में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संघर्ष करना सिखाया है। कामयाबी के लिए चाहे जुनून, फिर मुश्किलों क्या औकात है। तो कल भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का जो एक एक कार्यकर्ता, जहां लोग रैलियों में पैसे लेके नहीं जाते, दारू लेके, सामान लेके, तमाम तरह की सुविधा लेके जाते हैं, वहां वो पैदल, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, एक एक गाड़ियों में भारी संख्या में भर के वो रोड पे अपनी मेहनत की ईमानदारी कमाई से इस आंदोलन को तैयार करने और अब ये विश्वास दिलाने के हम साथ हैं आया था। मैं उस हरेक कार्यकर्ता का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आपने हलचल तो मचाई दी, आपने चर्चा तो बनाई दी है। देर सवेर ये सोया हुआ मीडिया भी, जिसमें बड़ी संख्या में बहन बेटियां भी काम करती, ये भी जागेगा और ये भी समझेगा कि बेटियों के लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं होती, बेटियों के लिए उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा जो है महत्वपूर्ण होती है। और ये नेमावर में नहीं हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, तो सब जगह हो रहा है, किसी की सरकार, राजस्थान में भी हो रहा है। उसके बाद दो घटनाएं और मेरे संज्ञान में, एक यूपी की कि एक दलित युवक को पीटा गया, उसके प्राइवेट पार्ट में जो है डंडा और ये सब चीजें, मुझे कहनी भी चाहिए, ये सब चीजें की गई। ऐसी ही घटना राजस्थान से आई। तो सरकार किसी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी और की हो, ये जुल्म जाति हमारा नसीब बन गया है, क्योंकि हमने हार मान ली, हमने सोचा कि ये हमारे भाग्य में है, ये भगवान ने लिखा है। किसी भगवान ने ऐसा, अगर कोई भगवान है कहीं, तो उसने कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा किसी छोटी बच्ची को, 4 साल की को, 6 साल की, रोज अखबार पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, किसी 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची को तेजाब से नहला जाता है, उसके साथ सामूहिक रेप होता है। ये कोई सा प्रदेश हो, ये सब जगह जारी है। और सत्ता के भूखे लोग, सिर्फ सत्ता चाहिए, नारा देने वाले लोग, बहन बेटी सुरक्षा की बात करने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में तो अभी चीरहरण चल रहा है, प्रमुख चुनाव में चीरहरण हुआ उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया बहन बेटियों के साथ, और ये नारा देते हैं मिशन शक्ति का, एंटी रोम स्क्वाड का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी, गुंडों से बेटियों को बचाओ, इन सत्ता के भूखे लोगों से बेटियों को बचाओ। तो वहां भी सरकार है, और वहां के बहुत इशू थे, वहां का इशू जो है एक ओबीसी समाज के लिए भी था, जिसमें बीजेपी 27% आरक्षण देने के लिए जो है विरोध में खड़ी है, लेकिन आज उससे भी बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है बहन बेटियों की रक्षा, वो भी पूरे देश में। मैं भीम आर्मी के क्रांतिकारी नौजवानों से तो उम्मीद करता हूं कि वो बहन बेटियों की सम्मान सुरक्षा के लिए लड़ें, उनको न्याय दिलाएं। लेकिन मैं ये भी समझता हूं, ये दो बातें आप सब लोगों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए, स्पेशली देश में रहने वाले किसी भी जाति धर्म की बहनों के लिए, कि किसी पे शोषण करने का अधिकार किसी को नहीं, किसी बहन का रेप करने का, उसकी हत्या करने का, उसके ऊपर तेजाब डालने का अधिकार किसी को नहीं। भारतीय संविधान सबको बराबरी के अधिकार देता है, लेकिन ये तो हो रहा है और हम लोग चुप। लेकिन मैं ये भी समझता हूं, माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जो शासक समाज होता है, जो ताकतवर समाज होता है, उसकी बहन बेटियों पे कभी अत्याचार नहीं होते। समझिए कि अगर आपका मुख्यमंत्री होता मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज का, जिसकी मैं कल घोषणा भी करके आया हूं, माननीय काशीराम साहब भी चाहते थे कि मध्य प्रदेश में ये वंचित वर्ग आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बने, हम वो बनाएंगे भी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने आदिवासी भाइयों से, अपने दलित बहुजन भाइयों से, कि अगर आपका मुख्यमंत्री होता तो क्या आपकी बेटी के साथ ही होता। मैंने मामा से भी पूछा, मुख्यमंत्री मामा से, जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि अगर ये आपकी भांजी होती, ये आपके भांजे होते तो आप चुप रहते, आप शादी ब्याह में घूमने वाले मुख्यमंत्री को क्या उस परिवार से मिलने का समय नहीं लगा। वो बाबा साहब की धरती है मध्य प्रदेश, अगर उस पे भी ये हो रहा है, बाबा साहब ने तो इस्तीफा दे दिया महिलाओं के अधिकारों के लिए। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, पॉलिटिक्स द मास्टर की, मेरे सोए हुए समाज के लोगों, आज लड़ाई हथियार से नहीं लड़ी जाती, तलवारों से, बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान है, जिसके पास वोट होती है उसके पास राज होता है, बहुसंख्यक लोग हो, आपका राज होना चाहिए था, जो बहन बेटियां सुरक्षित रहती, लेकिन राज उनका है और आपकी बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ ये रोज हो रहा है पूरे देश में। हम लोग कब समझेंगे, हम लोग किसके भरोसे उनकी सुरक्षा छोड़ के बैठे हुए। पुलिस प्रशासन तो वो करता है जो सरकार कहती है, हमने हाथरस में देखा,
कि हमारी बहन को अपमानित करने का प्रयास किया गया, उसको उसके चरित्र पे जो है उंगली उठाई गई, और पहले न्याय नहीं दे रहे थे, पंचायत हो रही थी, जब सीबीआई जांच हुई तो उन आरोपियों को अभी वो जेल में है। तो मैं ऐसा ही न्याय जो है मध्य प्रदेश में भी चाहता हूं, और अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों से, अपने जो साथी लोग वहां रहते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज लड़िए, कल की चिंता मत कीजिए, आज जो हो रहा है उसको रोकिए, जिससे कि कल में, कल का जीवन सुधर सके, भविष्य सुधर सके। इसलिए आज संघर्ष को आयाम दीजिए, सब चुप बैठ जाएं, आप चुप मत बैठना, तैयारी करके, मीटिंग करके, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारे जिले की यूनिट, हमारे विधानसभा की यूनिट, हमारा एक एक कार्यकर्ता संकल्प ले कि जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और ये आंदोलन तो अब दिल्ली भी आएगा, दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन का घिराव होगा। और मैंने ये भी कहा कल कि हम 2 अप्रैल भी दोहरा देंगे बलिदान के लिए, जब हम अपने एस्टेट के लिए सड़कों पे आके बलिदान दे सकते हैं, तो बहनों के सम्मान में तो अपनी जान भी दे देंगे। हमने यही सीखा अपने गुरुओं महापुरुषों से, हम तो गुरु गोविंद सिंह जी को मानने वाले लोग, हम सरदार भगत सिंह को मानने वाले लोग, हम सतगुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, हम तो महिलाओं के, अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए अपने जान को, प्राणों को जो है किसी भी समय बलिदान करने के लिए तैयार। लेकिन अगर इस तरह से नोची जाएंगी बहन बेटियां, तो आपकी जवानी का क्या फायदा है? वो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ना, जिस कौम का नौजवान जीते जी समाज की लड़ाई लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है, और जिस कौम का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। हम क्यों तैयार नहीं है इस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या हम भी धोखेबाज हो गए, या हम भी सिर्फ लालच, सत्ता और तमाम चीजों के लिए अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे? नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हम तो सिद्धांतिक लोग हैं। सत्ता तो हमारे लिए साधन है, जिस सत्ता से हम लोग व्यवस्था परिवर्तन कर सके, और ऐसे कानून, अगर एक कानून बने, उसको बनाने की शक्ति विधायिका या संसद में है, तो वो बनाने के लिए उनको पीड़ित लोगों को आना पड़ेगा सदन में। मैं फिर कह रहा हूं, काशीराम साहब कहते थे कि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों पे अन्याय अत्याचार नहीं होता, उनके बुजुर्गों की पगड़ी नहीं उछाली जाती, उनकी बहन बेटियों को तेजाब डाल के, यूरिया डाल के, नमक डाल के नहीं जलाया जाता, उनकी बेटियों को उत्तर प्रदेश हाथरस में कचरे की तरह नहीं जलाया जाता, उनकी बेटियों को थाना गाजी की तरह जो है, चूरू की तरह, वहां उनके सामूहिक हत्याएं, रेप नहीं होते हैं, उनके नाखून नहीं खींचे जाते हैं। मैं कहां का जिक्र करूं और कहां का ना करूं, पूरे देश में किसी, कोई स्टेट हो, किसी की सरकार हो, हमारे हिस्से में सिर्फ अन्याय, अत्याचार, अपमान लिखा है। और ये बदला जा सकता है अगर हम लोग प्रयास करें, अगर हम लोग संकल्प लें कि हम इस गुलामी, बेबसी, कमजोरी की, इस अपमान की जिंदगी को नहीं जिएंगे, और जिएंगे तो स्वाभिमान सम्मान के साथ जिएंगे, अपना राज स्थापित करेंगे। मैं मध्य प्रदेश के साथियों के धन्यवाद के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो कल जोश आपने दिखाया था, जो काबिले तारीफ था, वो टूटना नहीं चाहिए। और अगर आपकी आवाज से ये मुख्यमंत्री ना हिले, इसकी कुर्सी ना हिले, तो फिर पैदल मार्च करेंगे उस घर से, संकल्प लेके, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, पैदल मार्च करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घिराव करेंगे, विधानसभा घिराव करेंगे, वहीं बैठ जाएंगे, सड़कों पर रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो, और जिस परिवार के साथ उसको न्याय मिले, उस संकल्प के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं, ये सारे अधिकार, लड़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सम्मान जीने का अधिकार संविधान से मिला है, ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, अपनी संविधान की सुरक्षा के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर की दोबारा हत्या ना हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा हूं मैं आपके बीच जिंदा हूं। उस संविधान की सुरक्षा के लिए हमारे लोगों को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता संघर्ष से प्राप्त होती है, और सत्ता वो साधन है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का, पॉलिटिक्स द मास्टर की, सारी समस्याओं की चाबी है सत्ता। तो सत्ता अपने हाथ में लीजिए और परिवर्तन कर दीजिए उन सभी समस्याओं से जिनसे आप अपमानित हैं, जिनसे आप शोषित हैं, पीड़ित हैं। अगर आप आज भी नहीं जागते तो आने वाला कल क्या होगा, आप सोचिए। आज संविधान है, राइट्स है, तब ये हाल है, कल संविधान नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो स्वार्थ को छोड़िए, लड़ने के लिए मैदान में आइए। वो कहते हैं जिस कौम में कुर्बानी देने का जज्बा नहीं होता, वो कभी अधिकारों को प्राप्त नहीं करती।
और ना भविष्य उसमें भूतकाल में ऐसा हुआ है और ना भविष्य में ऐसा होगा। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं ये अपमान ना हो, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा। हम सब लोग तैयार हैं, आप कमर कसिए। मैं उस परिवार को वचन देके आया, वहां से प्रतिज्ञा लेके आया, संकल्प लेके आया हूं कि जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, और वो परिवार अगर खड़ा रहा, वो ना परिवार टूटा, उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो टूटेंगे नहीं, तो मैंने तो 10 लोग जो हैं 24 घंटे सुरक्षा में भीम आर्मी के वहां लगाए हैं। मैं वहां की जिला कमेटी का, वहां के अपनी तमाम लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। 10 कार्यकर्ता परमानेंट उस परिवार की सुरक्षा में, यही तो भीम आर्मी है, और इसीलिए तो भीम आर्मी है हम लोग, इसीलिए तो हैं कि अपनी सामाजिक जड़ें मजबूत कर सकें, अपनी गहरे तक जड़ें मजबूत कर सकें, अपने समाज को सुरक्षा दे सकें, सरकार के बिना भी सरकार जैसा वातावरण माहौल दे सकें। मैं दोबारा धन्यवाद करने के साथ ये कहना चाहता हूं, लड़ाई अभी अधूरी, अभी तो लिंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। और इस बात को भी याद करो कि जो सरकार निकम्मी है, जिस सरकार में ये हो रहा है, उस सरकार को बदलना है। अपने आंदोलन को मजबूती से धार दीजिए, और जो कार्यकर्ता मुझे सुन रहा है या सुनेगा, मेरे साथियों, चैन से नहीं बैठना है, क्योंकि जिस समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार अन्याय होते हैं, वो सोते नहीं है, और अगर वो सो रहे हैं तो यानी कि वो इस दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं, अपना दर्द नहीं मान रहे हैं। इस तकलीफ को अपनी तकलीफ बनाइए, और वो दर्द यहां तैयार कीजिए, अपनी जबान पे शहद रखिए, अपने दिमाग में जो है ठंडक रखिए, अपने दिल में गुस्सा तैयार कीजिए, और उस गुस्से से संघर्ष की भावना को तैयार कीजिए, और बल तैयार कीजिए। मध्य प्रदेश में के कोने कोने से आवाज आनी चाहिए, और ये भी आवाज आनी चाहिए कि भविष्य में किसी परिवार के ऐसा, इसकी शक्ति भी दिखनी चाहिए। बहन बेटियों को भी तैयार कीजिए कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, उनको भी बराबरी का दर्जा दीजिए, उनको भी आगे निकालिए, उनको भी जो है अपने आत्म सुरक्षा की जो है ट्रेनिंग दिलाइए, उनको कमजोर मत बनने दीजिए, उनकी ताकत बनिए, उनको आगे खड़े कीजिए, उनके पीछे खड़े होइए सपोर्ट में। ये जाति का दंश, ये अन्याय अत्याचार अपमान का दंश बहुत गहरा है, और ये सदियों से है। इसको खत्म करने के लिए सोचिए, अगर आप यही खत्म करना चाहते हैं तो भी तो आपको कानून बनाने के लिए सदन में आना पड़ेगा। अगर आप संसद में बहुमत में नहीं होंगे तो कैसे आप खत्म कर पाएंगे इसे, और कैसे आप वो कानून बनाएंगे जिससे बहन बेटे सुरक्षित रहें, उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनका स्वाभिमान सम्मान बचा रहे, और वो आधी रात में, जैसे पेरियार साहब कहते थे कि वो आधी रात में कुछ मील अगर पैदल घूम लेती है अकेली कोई बहन बेटी, तब मैं इस समाज को मानूंगा कि सभ्य समाज हो गया है, तब मैं मानूंगा समाज का, इस देश का विकास हुआ है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, किसी भी समाज का पैमाना, उसकी उन्नति का पैमाना उस समाज में रहने वाली, उस देश में, उस प्रदेश में रहने वाली महिलाओं से मैं मापता हूं। बहन बेटी सुरक्षा पे खड़े रहिए। मध्य प्रदेश जिंदाबाद, लेकिन जय भीम फुल जोहार, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इस मुख्यमंत्री को आपकी ताकत का एहसास होना चाहिए, हर जालिम को, ये सोच रखने वाले हर वैसी दरिंदे को इस सोच का एहसास होना चाहिए कि अगर ऐसा सोचा भी तो उसका परिणाम क्या होगा। ये लड़ाई आपको अपने सहारे सहारे पर लड़नी पड़ेगी। जब आप शुरू कर देंगे तो बहुत सारे लोग लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो ये देख रहे हैं ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई आपको अपने भरोसे लड़नी पड़ेगी, अपने दम पे। अगर आप अपनी बहनों से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं, और इस गुलामी के, अपमान के, इस दर्द के जीवन से क्या क्या निशा होगा मेरी उन बहनों ने, और किस तरह के अपमान से नहीं गुजरी होंगी, वो रूह कांप जाती है सुनने के बाद। अगर इस दर्द को अपना दर्द मानते हैं तो सोइएगा मत, तैयारी कीजिए, और बताइए कि हम जिंदा कौन, हम सरकार बदलने का नहीं, हम सवेरा होने का इंतजार नहीं करेंगे, हम इस मध्य प्रदेश को इतनी जोर से जो है आवाज लगाएंगे कि सदन में सरकारों बैठे हुए नेताओं की, मुख्यमंत्री कुर्सियां कांप जाएगी, अधिकारियों की जो है उनकी कुर्सियां हिल जाएंगी। हम बहुसंख्यक आबादी हैं, फिर भी ये क्यों सह रहे हैं, क्योंकि सत्ता में नहीं है। सत्ता भी हमारी आएगी, राज भी हमारी आएगा, हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा,
लेकिन अभी तो अपनी बहन बेटियों की, क्योंकि अभी आप सत्ता में नहीं है, तो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कीजिए। मैं धन्यवाद करता हूं कल के आंदोलन को मजबूत करने के लिए, लेकिन इस अधूरी लड़ाई से फायदा नहीं होगा, इसको पूरा लड़ना है, जीतना है। बहनों का अपने प्रति विश्वास मजबूत करना है, इसलिए न्याय दिलाना है, उसके लिए संघर्ष करना है, उसके लिए लाठी गोली मुकदमा जेल कुछ भी हो जाए, जान क्यों चाहे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमने तो यही सिखा कि हमारी बहनों का सम्मान ही हमारा सम्मान। जय भीम, जय भारत, आप सभी का धन्यवाद। और नजर बना के रखिए, ये फायदा हुआ है भीम आर्मी के संगठन बनने सब जगह, कि इन घटनाओं की जानकारी हमें लग जाती है, और जब पहले तो ये घटना दब जाती थी, अब इनकी जानकारी लग जाती है सोशल मीडिया के जरिए, संगठन के जरिए हम तक खबर पहुंच जाती, तो हम भी चले जाते हैं कार्यकर्ता के रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का, लेकिन मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा कि आप घर बैठ जाए, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप इस लड़ाई को और मजबूती से लड़े। जय भीम फुल जोहार, हमारी एकता जिंदाबाद, बहन बेटियों के सम्मान में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मैदान। जय भीम, जय भारत।